फोबिक डिसऑर्डर, ये जो मानसिक बीमारी, इसके बारे में आपसे आज बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स हमको रोज़ आते हैं, फोबिया के बारे में बताइए, फोबिया के बारे में बताइए, और क्या है, हमने फोबिया के बारे में पहले वीडियो डाले हुए। आज एगोरोफोबिया के बारे में बात करने वाला हूँ। तो एगोरोफोबिया जो है वो एक स्पेसिफिक फोबिया है, मतलब डर है, बहुत ज़्यादा भय, जिसमें बाहर जाने का डर लगता है। वो व्यक्ति अकेला बाहर घर के जाता नहीं है, वो घर में बैठे रहता है। तो 5 में से यदि 2 या ज़्यादा क्राइटेरिया फुलफिल हो गए तो वो फोबिक डिसऑर्डर, एगोरोफोबिया माना जाता है। तो नंबर एक ये है कि भीड़ में ये लोग नहीं जाते, मार्केट में जाते नहीं। नंबर 2, ये बस, ट्रेन, हवाई जहाज़, शिप्स, यहाँ से जाएंगे, ये सफ़र नहीं करते। नंबर 3, शॉप्स, मॉल्स, सिनेमा थिएटर्स, हॉल्स, इसमें जाएंगे नहीं। नंबर 4, ये भीड़ में जाएंगे नहीं या लाइन में खड़े नहीं होंगे। नंबर 5, ये घर के बाहर अकेले निकलते नहीं, और उनको जाना भी है तो कोई ना कोई वो साथ में लेके जाएंगे। उनको लगता है कि ये मैं जगह पे जाऊँ तो मुझे ऐसा कोई पैनिक अटैक जैसा आ जाएगा, मैं मर जाऊँगा, मुझे हेल्प नहीं मिलेंगी, सहायता मिलेंगी नहीं, तो इससे अच्छा मेरे साथ में कोई रहा तो फिर मैं कुछ ना कुछ डॉक्टर के पास में जल्दी जाऊंगा और मेरी सहायता होगी, मैं बच जाऊंगा। तो उनको बहुत ही मरने का डर लगता है, और उनको लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो कोई ना कोई साथ में होगा, और वहीं जाते हैं जहां मेडिकल हेल्प उनको जल्दी से जल्दी मिल सकती है। इससे होता क्या है कि इससे मैरिटल डिस्कॉर्ड होता है, मतलब पति पत्नी की फिर पट्टी नहीं है, क्योंकि घर में फिर झगड़े चालू हो जाते हैं, घर के बाहर जाता नहीं है तो कमाई बंद हो जाती है, काम नहीं करता तो फिर आर्थिक आमदनी कम हो गई, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। शराब पीने से थोड़ा सा अच्छा लगता है तो वो शराब का आदि होना चालू हो जाता है, फिर कोई नशा पानी करना चालू कर देता है। ये बीमारी यदि 6 महीने तक ऐसी रही तो उसको फोबिक डिसऑर्डर, एगोरोफोबिया टाइप ऐसा बोलते हैं। इसका इलाज जो है वो अलग अलग मेडिसिन जो है उससे होता है, जैसा SSRI करके जो दवाई है, SSRI, फिर बेंजोडाइजिपिन से उससे भी हो सकता है फ़ायदा, फिर क्लोनेजेपाम जैसी दवाई है उससे फ़ायदा हो सकता है, फिर काफ़ी साइकोथेरेपी अलग अलग प्रकार की है, REBT है, CBT है, हिप्नोसिस, सम्मोहन उपचार, काउंसिलिंग, ऐसे अलग अलग मेथड्स है कि जिससे इसका उपचार होता है और वो लोग अच्छे हो जाते हैं। कितने सारे पेशेंट जो आज घर में बैठे हुए हैं डर के मारे कि मैं बाहर जाऊंगा नहीं, बाहर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लोग घर में बैठे हैं, घर के बाहर जाते नहीं, कमाई नहीं करते और उनकी स्थिति मतलब बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। उनका इलाज यदि हो गया तो देश को फायदा होगा, क्योंकि इतने सारे लोग जो घर में बैठे वो कमाना चालू करेंगे, हमारे देश तरक्की करेगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि सबका इलाज साइकेट्रिस्ट कर सकेंगे, उनको सहायता हो जाएगी, लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन हमसे कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।